रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विदाई का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मपूसा और गैर मपूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए।